Good morning, Hare Krishna to all my dear students. I hope you all are very fine at your home. In beginning, let me introduce myself. I am Archana Solanki and I will teach you English subject. First, let me little explanation about the English book. This is our handwriting book. By the help of this book, we will make to learn cursive letters and cursive writing. Okay, today we are going to revise some basic patterns for cursive writing which we have already learned in our previous class. So let's see carefully. Now first is our A pattern. Trace your pencil on blue line. Now 1, 2, 3, number 3 blue line. Trace your pencil here. Go upward up to blue line, take slightly curl, come backward and slowly come downward. Again go upward, come downward in this way. आपको अपनी पेंसिल को ब्लू लाइन पे ट्रेस करना है और इस तरह से ऊपर वाली ब्लू लाइन तक जाना है. पेंसिल को फिर थोड़ा पीछे की तरफ टर्न करते हुए हल्का सा कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ नीचे वाली ब्लू लाइन तक आना है इस तरह से. ये आपका ए पैटर्न. इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेक लेटर्स ए डी जी. ये पैटर्न आपको ए डी जी लेटर बनाने में हेल्प करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर सी पैटर्न. अगेन ट्रेस योर पेंसिल ऑन ब्लू लाइन, गो अपवर्ड अप टू ब्लू लाइन, अगेन कम बैकवर्ड, स्लोली कम डाउनवर्ड. ये पैटर्न भी ए पैटर्न से मिलता जुलता है. इस तरह से ये आपका सी पैटर्न बनेगा. पेंसिल को ऊपर वाली ब्लू लाइन तक ले जाइए, फिर अगेन पीछे की तरफ टर्न करते हुए उसको कर्व लेते हुए या सर्कल बनाते हुए नीचे वाली ब्लू लाइन तक आना है. ये आपका सी पैटर्न. नाउ नेक्स्ट इज अवर एल पैटर्न. ए पैटर्न और सी पैटर्न ब्लू लाइन के बीच में बनेंगे, लेकिन एल पैटर्न पिंक लाइन तक बनेगा. देखिए, चलिए लेट्स सी. ट्रेस योर पेंसिल ऑन ब्लू लाइन, गो अपवर्ड अप टू पिंक लाइन. आपको अपनी पेंसिल को ब्लू लाइन से ऊपर वाली पिंक लाइन की तरफ ले जाना है और बैक साइड से टर्न करते हुए नीचे वाली ब्लू लाइन तक आना है. लाइक दिस. ओके, इट इज अवर एल पैटर्न. It will be helpful for make letters B, F, H, I, L and T. Now next is our E pattern. Again trace your pencil on blue line, go upward up to blue line in this way. आपको अपनी पेंसिल को ब्लू लाइन पे ट्रेस करके ऊपर वाली ब्लू लाइन तक जाना है, पीछे की तरफ उसको टर्न करते हुए नीचे वाली ब्लू लाइन तक लेकर आना है इस तरह से. ओके, इट इज़ अवर E pattern. Now नेक्स्ट इज अवर एम पैटर्न. एम पैटर्न में आपको अपनी ब्लू लाइन को अगेन अपनी पेंसिल को ब्लू लाइन पे ट्रेस करेंगे और ऊपर वाली ब्लू लाइन तक लाके हल्का सा कर्व बनाते हुए नीचे वाली ब्लू लाइन तक जाना है. अगेन गो अपवर्ड, आपको इसी लाइन पर अपनी पेंसिल को घुमाते हुए ऊपर वाली ब्लू लाइन तक ले जाना है, हल्का सा कर्व बनाते हुए नीचे ब्लू लाइन तक आना है. ओके, दिस इज अवर एम पैटर्न. नाउ नेक्स्ट इज यू पैटर्न. यू पैटर्न एम पैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट है. ट्रेस योर पेंसिल ऑन ब्लू लाइन, गो अपवर्ड एंड कम डाउनवर्ड अप टू ब्लू लाइन, टेक स्लाइटली कर, अगेन गो अपवर्ड कम डाउनवर्ड इन दिस वे. इस तरह से ये आपका यू पैटर्न बन जाएगा. आज आपको एक फोर लाइन की न्यू कॉपी इंग्लिश के लिए लेना है. उसमें आज आपकी आप यहाँ डेट मैंशन करेंगे आज की और उस पर सी डब्ल्यू डालेंगे. सी डब्ल्यू मीन्स क्लास वर्क. और आपको ये पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूँगी, उसे आपको फिल करके मुझे सबमिट करना है. ओके, नाउ दिस इज अवर राइम बुक. टुडे वी विल रिसाइट राइम ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी. ई, I lost my teddy bear, poor me. F, G, H, I, J, maybe someone put him
away. K L M N O. I wonder how far my teddy could go. P Q R S T. Is there no one who will help me? U V W X Y. I think I will sit right here and cry. Z Z Z Z Z. Oh, I found him right under my bed. Okay, you all will recite this rhyme. Now our class is over. Take care. Hare Krishna.